Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is describe a successful person who you once studied or worked with. तो यहाँ पर हमने एक ऐसे कामयाब इंसान के बारे में बताना जिसके साथ हमने कभी स्टडी की थी या कोई काम किया था. एंड सब क्यूज आर हु दिस पर्सन इज़. तो यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा इंसान है. नेक्स्ट इज वैन यू स्टडीड और वर्कड विद दिस पर्सन. तो यहाँ पर हमें बताना कि हमने कब उसके साथ स्टडी की थी या काम किया था. नेक्स्ट इज़ व्हाट यू डिड टुगेदर. तो यहाँ पर हमें बताना कि हमने क्या किया था एक साथ. नेक्स्ट इज़ व्हाट दिस पर्सन डिड टू बिकम सक्सेसफुल. तो यहाँ पर हमें बताना कि उन्होंने कामयाब होने के लिए क्या किया था. एंड द लास्ट वन इज़ एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट स्टडिंग और वर्किंग विद दिस पर्सन. और एंड में हमने बताना कि हमें कैसा लगा था, क्या एक्सपीरियंस रहा था उनके साथ पढ़ने का या काम करने का. सो बिफोर वी स्टार्ट द सैम्पल आंसर गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. Although many persons with whom I have studied or worked have achieved tremendous success in their lives, one of them is special and therefore worth discussing. तो यहाँ पर हमने बताया कि वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने स्टडी की या काम किया और जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हासिल किया, पर उनमें से एक खास है जिसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा. ही इज़ एंड्रयू. When I was in 8th standard, Andrew joined my class as a new student and from that day we became bosom friends. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो सर ये इंसान है उसका नाम क्या है, एंड्रयू. और जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो उसने हमारी क्लास में एडमिशन ली थी और वो नया स्टूडेंट आया था और उसी दिन से हम बॉसम फ्रेंड्स बन गए. बॉसम मींस कि बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए. वी डिड मैनी थिंग्स टुगेदर. कि यहाँ पर हमने बताया कि हमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही की थी. बींग ऑल वेदर फ्रेंड्स वी वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे टुगेदर एट स्कूल एंड द कोचिंग सेंटर फॉर द स्टडी. तो यहाँ पर हमने बताया कि ज़्यादातर क्या कि हम टाइम एक साथ ही स्पेंड करते थे स्कूल में, उसके बाद हम जो कोचिंग सेंटर था वहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे क्योंकि हम वहाँ पर इकट्ठे पढ़ने जाते थे. अपार्ट फ्रॉम दिस वी यूज़ टू प्ले बैडमिंटन टुगेदर. तो इसके अलावा क्या कि हम बैडमिंटन भी एक दूसरे के साथ खेलते थे. एंड्रयू वॉन्टेड टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड टू अचीव हिज ड्रीम ही स्टार्टेड डूइंग हार्ड वर्क फ्रॉम हिज टीनेज. तो यहाँ पर हमने बताया कि शुरू से एंड्रयू क्या कि एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता था और इस अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए उसने टीनेज इससे ही क्या कि मेहनत करनी शुरू कर दी थी. एवरी डे ही वुड रीड बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. तो यहाँ पर हमने बताया कि वो उसी क्या कि जब टीनेज में था तो तभी से उसने क्या कि हर रोज़ बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी शुरू कर देता था. जो भी बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन थे उनकी बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ता था. After reading a boatload of content, he concluded that he can run a successful business by solving people's problems. तो यहाँ पर हमने बताया कि जब उसने बहुत सारा content जब books को पढ़ लिया तो उसने ये conclusion निकाला कि वो successfully एक business run कर सकता है by solving people's problems. कि जो भी लोगों की problem होगी उनको वो अच्छे से solve करेगा और इसी के साथ वो कह के अपना अच्छा business कर सकता है. To achieve that, he started his business of procuring jobs for unemployed people by having tie-ups with companies that needed human resources. तो यहाँ पर हमें बताया कि अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या किया उसने, क्या कि एक काम शुरू कर दिया जिसमें वो क्या करता था, जो जॉब्स होती थी उनको प्रिक्योर करता था उन लोगों के लिए जिनके पास जॉब्स नहीं होती थी, क्योंकि उसके टाइप थे कंपनीज के साथ जिनको ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी. द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज बिजनेस आइडिया वॉज दैट ही नेवर charged any money to the people looking for jobs, rather he earned funds from the employers. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो बेस्ट पार्ट था उसके बिजनेस के आइडिया का वो ये था कि उसने कभी भी कोई चीज़ या कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया था उन लोगों से जिनको जॉब्स की ज़रूरत होती थी, जो जॉब ढूंढ रहे होते थे, rather उसने क्या किया कि वो पैसे कमाता था employers से. This idea was different from other job consultancies and due to that he became successful. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो सा इसका एंट्री का आइडिया था बिजनेस को लेके वो डिफरेंट था बाकियों से, तो इसी वजह से क्या कि वो कामयाब हो सका. नाउ ही हैज़ अ टीम ऑफ 100 पीपल वर्किंग फॉर हिम एंड ही प्रोवाइड्स जॉब प्लेसमेंट इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़. तो यहाँ पर हमने बताया कि अब उसकी पूरी टीम है जिसमें 100 लोग काम करते हैं उसके लिए और वो जॉब प्लेसमेंट करवाता है इंडिया में भी और बाकी देशों में भी. स्टडिंग विद हिम वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज हिज सिटिंग रीडिंग टैलेंट वॉज ऑसम. तो यहाँ पर हमने बताया कि उसके साथ पढ़ने का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही बढ़िया था, उसका जो टैलेंट था सिटिंग रीडिंग का वो बहुत ही अच्छा था. ही हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ रीडिंग 100 पेजेस ऑफ कंटेंट एवरी डे. तो यहाँ पर हमने बताया कि उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो 100 पेजेस रोज़ पढ़ सकता है. अंडर हिज एजेस आई इवन बिकेम ए वोरेशियस रीडर एंड माई फ्रेंडशिप विद हिम ब्रॉट अ पैराडाइम शिफ्ट इन माई लाइफ बाई मेकिंग मी अ डिसिप्लिनड पर्सन. तो यहाँ पर हमने बताया कि उसके साथ टाइम स्पेंड करने के साथ क्या किया, मैं भी एक बहुत ही अच्छा रीडर बन गया कि मेरे को भी बहुत अच्छी मुझे भी ये शौक पड़ गया कि मैं भी रीड करूँ और मेरी उसके साथ जो फ्रेंडशिप थी
उसने बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा शिफ्ट लाया मेरी लाइफ में और मेरे को भी एक डिसिप्लिन इंसान बना दिया। सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड एंड आई विल कैच इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक फॉर द प्रिपरेशन गाइस। थैंक यू।